आज के इस दौर में महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न आम हो गया है। रोजाना ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं। मध्य प्रदेश में तो पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई केस सामने आए हैं, लेकिन क्या आपको पता है, बच्चों और महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए, उनकी आवाज को पुलिस प्रशासन तक पहुंचाने के लिए आकांक्षा अगेंस्ट हरेसमेंट नाम की एक वेबसाइट मध्य प्रदेश में काम कर रही है। अगर कोई भी बच्चा या फिर महिला उत्पीड़न का शिकार हो रही है, कोई उनका उत्पीड़न कर रहा है, तो वो इस वेबसाइट पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। अगर आपके साथ कोई भी ऑनलाइन किसी भी तरह का अत्याचार, उत्पीड़न, हैरेसमेंट, कोई आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है या कोई आपको किसी चीज़ की धमकी दे रहा है, आपको उठकर अपनी आवाज़ ऊंची आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में उसके बारे में बात करनी है। आपको अपने माँ बाप, अपने ट्रस्टेड लोगों से, अपनी फैमिली को ये बात बतानी है। आपको पुलिस में जाके उसकी कंप्लेंट करनी है, क्योंकि अगर आप डर गए और आपने वो कंप्लेंट नहीं की, तो कल को वही अब्यूज़र किसी और को भी यही उत्पीड़न के थ्रू वापस लेके जाएगा और आपको इसको रोकना है। इस पोर्टल को चलाने वाली आकांक्षा श्रीवास्तव स्कूलों में उत्पीड़न को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाती हैं। वो बच्चों और महिलाओं को ये बताती है कि अगर कोई उनका उत्पीड़न करे तो उन्हें क्या करना चाहिए। आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस है आकांक्षा अगेंस्ट हैरेसमेंट। आप वहाँ पे जाएंगे, आप हिंदी और इंग्लिश किसी भी भाषा में इस हेल्पलाइन का प्लीज़ उपयोग करें। आप यहाँ पे बिल्कुल निडर होके, बेझिझक होके, बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील करे अपनी प्रॉब्लम हमें बताइए। हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपके पेरेंट्स से बात करेंगे, हम काउंसलर्स से बात करेंगे, हम आपके टीचर्स से बात करेंगे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, हम उसमें आपकी पुलिस की कंप्लेंट रजिस्टर करा के, ये मेरा वादा है आपसे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। आकांक्षा श्रीवास्तव न सिर्फ MP बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी इस अभियान को चला रही है। उनका लक्ष्य उत्पीड़न मुक्त भारत का, जो सिर्फ जागरूकता और सहयोग से ही पूरा होगा। और हाँ, अगर आप में से किसी का भी कोई उत्पीड़न कर रहा हो तो हमें जरूर बताएं, हम उसके समाधान की पूरी कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।